हाई गाइज टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट दैट इज हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस माई सेल्फ शिखा गर्ग एंड यू आर लिसनिंग मू ऑन द चैनल राहुल शिखा अकेडमी सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू दिस वीडियो इज फॉर ऑल आई दर यू बिलोंग टू सी ए सी एस सी एम ए इट रियली ड मैटर बिकॉज हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी तरह का किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस हम सबकी जिंदगी में है और अगर हम एग्जाम्स की स्पेसिफिकली बात करें तो भले ही नवम्बर में या चाहे दिसंबर में ठीक है ना हम सभी के एग्जाम होने ही वाले हैं सो so, चलिए अब मेन मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं बिफोर गिविंग यू बिफोर टेलिंग यू बिफोर टीचिंग यू दैट हाउ टू डील विद योर स्ट्रेस आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन एंड आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई रियली एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू गिव द आंसर सो माई क्वेश्चन इज प्लीज टेल मी गाइज द वेट ऑफ दिस ग्लास ऑफ वॉटर ये आई एम आस्किंग यू द वेट ऑफ दिस ग्लास ऑफ वॉटर बी क्विक फटाफट yes, से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस पानी के ग्लास का कितना वेट है मी सी हाउ मच यू गाइज आर क्विक मी सी कितना अच्छा है आपका मेजरमेंट यस सो आई होप यू आर डन स्टॉप सो गाइज डू रियली थिंक दैट यू आर इन सी एस सी एस सी एम में स्ट्रीम स्पेसिफिकली वीडियो आपके लिए है और मैं आपसे कुछ साइंस का क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि इस पानी के ग्लास का वेट कितना है

देन यू विल फील कि आपको यहाँ बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा एंड यूफ यू होल्ड दिस सेम ग्लास फॉर वन डे देन योर दिस आर्म में गेट पैरालाइज सो वेट सेम है पानी उसके अंदर सेम है जो चीज डिपेंड कर रही है जिसकी वजह से हमें इफेक्ट हो रहा है हमारी आम को यहां पर दैट इज ड्यू टू फॉर हाउ लॉन्ग वी होल्ड इट हम उसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं सेम थिंग वेन वी डू दिस थिंग टू आर स्ट्रेस टू आर टेंशंस हम जितनी देर तक उनमें खुद को जकड़े रखते हैं हम उसे सोचते रहते हैं ना उतना ही ज्यादा वो हमें दर्द देती है ठीक है आई नो दैट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का टेंशन चलता ही रहता है बट हम ह्यूमन बींग हैं तो हमारे पास ये भी शक्ति है कि हमें समझ में आना चाहिए सोचना चाहिए कि हमें इस स्ट्रेस से कैसे जल्दी से बाहर आना है कब हमें उसके बारे में सोचना बंद कर देना है वेन वी नीड टू लुक आउट फॉर द सोल्यूशन सो माई सजेशन फॉर यू गाइज इज दैट दिन में जो भी हुआ हो या लाइफ में अब तक जो भी हुआ हो ठीक है उसको गोली मारो उसे छोड़ दो शाम तक आते आते या एटलीस्ट रात को सोने से पहले तक जो ये जैसे पानी का ग्लास है ना इसको उठाकर एक ही सॉल्यूशन है नीचे रखना अगर आपको इस दर्द को कम करना है सेम वे उन टेंशन्स को इस ग्लास की तरह नीचे रख दो सोचो सोने से पहले कि क्या आपने सारे दिन की टेंशंस नीचे रख दी कि नहीं रख दी नीचे फेंक दी कि नहीं फेंक दी एज सोन एज यू विल डू इट यू विल बी एबल टू अचीव योर एम यहां पर अगर मैं आपकी पढ़ाई की बात करूं अगर आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं अगर काफ़ी टाइम से आप पास नहीं हो रहे हैं या फिर ड्यू टू कोरोना आपका बहुत कुछ अफेक्टेड है या घर में किसी का कोई इवन प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड से आपकी थोड़ी सी नोक नोकझोंक हो गई या घर पर थोड़ी सी नोक झोंक हो गई मैं डेली डे टू डे की यहाँ पर बात कर रही छोटा सा एग्जाम्पल है ना या फिर <laughs> गर्ल या बॉय हालांकि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा अक्सर मिलता नहीं है लेकिन अगर चलो है भी तो मान लीजिए ऐसा हो भी गया तो भी ट्राई टू सॉल्व इट आउट ओके okay, उसे खत्म करें सोने से पहले खत्म करें और अगर नहीं हुआ है तो ज्यादा सोचे मत सोचें कि हर सुबह एक नया दिन लेकर आती है और मुझे उसी तरीके से शुरू करना है सो दिस इज माय पीस ऑफ एडवाइस टू यू रेस्ट स्टे स्टेबलेस लव यू अलॉट